नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे तो आपने दुनिया में बहुत से पक्षी देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अफ्रीकन पक्षी कोरी बस्टर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। दोस्तों कोरी बस्टर्ड अफ्रीका का सबसे बड़ा उड़ने वाला भारी पक्षी है। यह बस्टर्ड परिवार का एक सदस्य है। दोस्तों कोरी बस्टर्ड के शरीर की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर से लेकर 145 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 19 किलोग्राम तक हो जाता है। नर कोरी बस्टर्ड मादा की तुलना में 2 गुना भारी होता है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। इतना भारी पक्षी होने के बावजूद भी यह दौड़ने में भी माहिर होता है। यह लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह प्रजाति ज़्यादातर बस्टर्ड की तरह एक ज़मीन पर रहने वाला पक्षी और एक अवसरवादी सर्वभक्षी है। ये पक्षी मुख्य रूप से कीड़े, स्तनपाई की छोटी प्रजातियों, सरीसृपों और अन्य पक्षियों का उपयोग करके मांस खाते हैं। इसके अलावा यह अपने आहार में बीज, जामुन और कभी कभी बबूल के पेड़ के गोंद को भी खाते हैं। इन पक्षियों की चोंच, आंखें, पैर और पर पीले रंग के होते हैं और इनकी पीठ भूरे रंग की होती है और पूंछ पर काले और सफ़ेद बैंड दिखाई देते हैं। इन पक्षियों के कंधों और गर्दन के दोनों तरफ सफ़ेद निशान होते हैं। पेट सफ़ेद होता है और सिर में सिका होती है। गर्दन और स्तन सिंदूरी और भूरे रंग के होते हैं, जबकि इस प्रजाति के चूजों के पंख किरमी सफ़ेदी वाले अंडरपार्ट्स के साथ साथ इनके फ्लैक्स, पीठ, गर्दन और सिर पर गहरे रंग के बैंड होते हैं। दोस्तों वैसे तो कोरी बस्टर्ड ज़्यादातर छोटी घास और सूखी रेतीली मिट्टी, सवाना घास के मैदानों और झाड़ियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पक्षी कभी कभी बिखरे हुए पेड़ों और गेहूं के विकास वाले कृषि क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। ये पक्षी गैर प्रवासी होते हैं। आमतौर पर एक ही स्थान पर यह तब तक रहते हैं जब तक भोजन और पानी के स्रोत उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर ये बस्टर्ड अकेले या छोटे झुंडों में रहना पसंद करते हैं। कोरी बस्टर्ड बहुत शर्मीले और सतर्क पक्षी हैं। आमतौर पर ये इंसानों से डरते नहीं हैं। कोरी बस्टर्ड में बहुविवाही संभोग प्रणाली होती है जहां प्रत्येक नर कई मादाओं के साथ संभोग करता है। इनके प्रजनन का मौसम मार्च से अगस्त तक रहता है। ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, ये बस जमीन में एक छोटा उथला गड्ढा बनाते हैं जिसमें मादा 1 से 2 अंडे देती है। इन अंडों का रंग हल्के जैतून रंग का होता है जो भूरे निशान से ढके होते हैं। इन अंडों को मादा लगभग 25 दिनों तक सहती है। इसके बाद अंडों से चूजे निकल आते हैं। नवयुक्त चूजे असामाजिक होते हैं। चूजों की देखभाल माँ द्वारा की जाती है। लगभग 4-5 सप्ताह की उम्र में चूजे फूल जाते हैं और लगभग 2 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व भी हो जाते हैं। दोस्तों कोरी बस्टर्ड पक्षी का औसत जीवन काल लगभग 26 साल होता है। दोस्तों इसी तरह के पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।